अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के साथ पोटेंशियल मैच को लेकर ब्रॉन स्ट्रोमैन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। कोडी ग्रेव्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एंडिंग रिटर्न करने को लेकर कोडी ग्रेव्स ने काफी बड़ा टीज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेली और सॉलिड फ्लेयर को साइन करने के बाद जेलिना वेगा को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइस वही मर्सिडीज मून के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर मर्सिडीज मून का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। और गाइस यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर टीवी डील जा चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी की, बल्कि अगर बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया था, तो गाइस लास्ट वीक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी खराब शो था, क्योंकि गाइस लास्ट वीक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,40,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस यही लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को 6,40,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,70,000 लोगों ने देखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी ग्रेव्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एंडिंग रिटर्न करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी ग्रेव्स पिछले काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइस आज से कई साल पहले कोडी ग्रेव्स के इंजरी की वजह से कोडी ग्रेव्स के रेसलर करियर के ओवर होने के बाद अब फाइनली यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद इस हफ्ते कोडी ग्रेव्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी ग्रेव्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके एंडिंग रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी ग्रेव्स का यह कहना है कि वैसे तो ये यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमेंटेटर बनकर काफी खुश है, बट गाइस डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी ग्रेव्स उनका एक और आखिरी मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 39 के ऊपर पैट मैकाफी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल किया था, कुछ उसी तरीके से कोडी ग्रेव्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वन टाइम एक बार फिर से रेसल करना चाहते गए। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अलाउ करे तो गाइस कोडी ग्रेव्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार के लिए उनका एंडिंग रिटर्न करना चाहेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी ग्रेव्स को एक मैच देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूवेस्ट साइनिंग जेलिना वेगा की। बल्कि अगर बात करें यहां पर जेलिना वेगा की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेलिना वेगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद और रिसेंटली यहां पर जेलिना वेगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा हायर करने के बाद इस समय जेलिना वेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर काम कर रही है। और गाइस यही आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सॉलिड फेयर और बेली को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेलिना वेगा को भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया। और गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जेलिना वेगा को यहां पर मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद जेलिना वेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहां पर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले कई सालों तक काम करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सॉलिड फ्लेयर बेली और बैक टू बैक जेलिना वेगा को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले किस बड़े सुपरस्टार को साइन करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सासा बैंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को काफी लंबे टाइम से बता रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग रॉयल रंबल के ऊपर सासा बैंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइस लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सासा बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को हिंट कर रही है। और गाइस यही इस हफ्ते अब इंस्टाग्राम के ऊपर सासा बैंक ने उनके न्यू गियर के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस बेसिकली यहां पर सासा बैंक इस पिक्चर को शेयर करके इस चीज को टीज कर रही है कि वो यहां पर अब उनके कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर सासा बैंक उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सासा बैंक के सोशल मीडिया पर रिटर्न को कंफर्म करने के बाद वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर रिटर्न करती गए, वो AEW कंपनी को ज्वाइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के टीवी डील के लूज होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अमेरिका के अंदर हाल फिलहाल में CW नेटवर्क के साथ एनएक्सटी को लेकर टीवी डील साइन किया है और अगले साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर अमेरिका में CW नेटवर्क पर लाने वाली है। बट गाइस यही आज यहां पर यूके के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा टीवी डील जा चुका है। गाइस यहां पर पिछले 3 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूके में TNT स्पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती थी। और गाइस जहां अमेरिका के अंदर TNT के ऊपर AEW रेसलिंग उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए, तो गाइस वहीं यूके के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रॉ स्मैकडाउन और
एनएक्सटी को टीएनटी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर आज यहां पर टीएनटी स्पोर्ट ने ये अनाउंसमेंट कर दी गए कि अब यहां पर टीएनटी स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो नहीं आने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ और स्मैकडाउन तो अब भी टीएनटी पर आएगा, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो अब यहां पर टीएनटी नेटवर्क से हटाया जा रहा है। और गाइस यहां पर जो फैंस यूके के अंदर पिछले 3 सालों से टीएनटी स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के वीकली शो को देखते थे, अब यहां पर उन लोगों को एनएक्सटी को देखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के यूके में वार्नर मीडिया के टीएनटी नेटवर्क से हट जाने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन का यूके में क्या होता है। और गाइस वार्नर मीडिया के यूके में एनएक्सटी को हटा देने के बाद क्या अमेरिका में वार्नर मीडिया टीएनटी नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को टीवी डील देती भी है या नहीं। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया के यूके में एनएक्सटी को हटाने के बाद अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को टीवी डील मिलेगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE पर रिटर्न होने की। वेल गाइस इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE पर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के इसी इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE पर रिटर्न के ड्रीम मैच को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का यह कहना है कि वैसे तो WWE के अंदर ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिनसे यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटर्न होकर उनका बदला लेना चाहते गए। और गाइस WWE सुपरस्टार बॉबी लेस्ली, रोमन रिंग्स सहित ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी सारे लोगों को फेस करना चाहते गए। बट गाइज अब जबकि सीएम पंक WWE पर रिटर्न हो चुके गए, तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के अंदर डेफिनेटली यहां पर सीएम पंक के सामने भी खड़ा होना चाहेंगे, क्योंकि गाइज इससे पहले कभी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन आमने सामने सीएम पंक से नहीं मिले गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक WWE के बाहर थे, तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सीएम पंक के बारे में काफी सारी बातें सुनी थी। बट गाइज अब जबकि सीएम पंक फाइनली WWE के अंदर आ चुके गए, तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन डेफिनेटली रिंग के अंदर सीएम पंक के सामने खड़ा होना चाहेंगे। और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि WWE के अंदर अगर सीएम पंक ब्रॉन के सामने आते गए, तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन सीएम पंक की जमकर कुटाई करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन और सीएम पंक का मैच कब होता है। वेल आप लोग WWE के अंदर स्ट्रोमैन और पंक का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।